सुवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के हमीरगढ़ में स्थित ए इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्रमिकों का आर्थिक शोषण करने को लेकर बरडोस सरपंच लीला देवी वैष्णव, ओजियाड़ा सरपंच कालूराम पारिक, हमीरगढ़ सरपंच रेखा राजपूत एवं भिलवाड़ा जिला राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक व्यास ने संयुक्त ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम एडीएम सिटी को देकर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया कि ए इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के श्रमिक विभिन्न मांगों को लेकर 6 दिन से धरने पर बैठे हैं। मांगों में वेतन वृद्धि, सुरक्षा सुविधा, चिकित्सा सुविधा, अवकाश, बोनस आदि सुविधाओं से कंपनी द्वारा श्रमिकों को वंचित रखा जा रहा है। इसका लाभ श्रमिकों को दिलाने का निवेदन ज्ञापन में किया गया। इस दौरान बरडो सरपंच लीला देवी वैष्णव, ओजियाड़ा सरपंच कालूराम पारिक, हमीरगढ़ सरपंच रेखा राजपूत, भिलवाड़ा जिला राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक व्यास, राजमल अहिर, मदन अहिर, उदयलाल लखारा, रामेश्वर रतनलाल, शांतिलाल मोहन छिपा आदि उपस्थित थे। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मजदूर आज 6 दिन से इनकी वाजिब मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इसी क्रम में आज हमारे अमीरगढ़ सरपंच रेखा जी, बरडोस सरपंच सुरेश जी वैष्णव, ओजाड़ा के सरपंच काड़ू जी पारिक और हमारे एनयूसी के साथी राजमल जी, मदन जी और फैक्ट्री के सभी साथी आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। मजदूरों की आज वाजिब मांगे हैं। फैक्ट्री परमन हट धर्मिता कर रहा है तो आज हमने ज्ञापन दिया सरपंच साहब के नेतृत्व में और कुछ मजदूर जो वहाँ फैक्ट्री में कार्यरत थे जिनके किसी के हाथ कट गया, किसी के पैरों की अंगली कट गया, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। इस मुआवजा को हमने भी आज हमारे एसडीएम साहब ओम प्रभा जी को ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वास दिया कि उचित कार्यवाही के लिए हमें और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को राहत मिले और प्रशासन भी हमारी मांगों का उचित मांगों का निराकरण करे। बहुत टाइम से लिख के दे रखा लेकिन हुई नहीं है तो आज ये सब सरपंच साहिबान के नेतृत्व में आज हमने ये मांग उठाई है और हम चाहते हैं कि न्याय जल्दी मिले। हमीरगढ़ ग्राम पंचायत, ओजाड़ा ग्राम पंचायत और बरडोत ग्राम पंचायत के मिलाकर कम से कम 1000 मजदूर उस फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, शिपाही फैक्ट्री जो हमीरगढ़ क्षेत्र में आती है। हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। हम अगर तीनों सरपंच मजदूरों के साथ लगे तो हमारी ये डिमांड है कि जो मजदूर जिनको वेतन मिलना चाहिए, 225 रुपये में आज किसी भी व्यक्ति का घर नहीं चलता है। हमारी सिर्फ ये मांग है कि जो उचित हो इनका वेतन बढ़ाया जाए। हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी का अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है तो उसको मुआवजा नहीं मिलता है। कोई व्यक्ति अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो हम ये चीज़ें नहीं चाहते। अगर हमारे क्षेत्र में ये फैक्ट्रीज लगी हुई है तो कम से कम हम जो जनप्रतिनिधि हमको तो सुना जाए